एवरी वन वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जी एस फाइव नीता मैम तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बजट को डिस्कस करेंगे कि अभी अभी हाल ही में एक फरवरी को जो बजट है आपका वो पेश किया गया है तो जानेंगे कि बजट में ऐसा क्या कुछ खास है और आम आम लोगों के लिए इसके अंदर किस किस बारे में जो बातें की गई हैं एजुकेशन के लिए कितना बजट है यानी किस क्षेत्र को ज़्यादा फोकस में रखा गया है क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या न्यूज़ नू, है ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे सिंपल जो बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी होप्सो आपने अभी तक बजट देख ही लिया होगा कि किस टाइप से कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है किसने इन, इनको किसने पेश किया है ठीक है तो ये सारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में जानेंगे आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी हाल ही में यूनियन बजट दो का जो है पेश किया गया है तो जानते हैं हम कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे निर्मला सीतारमन उन्होंने इसे पेश किया है और ये उनका कौन सा नंबर का था फोर्थ टाइम ठीक है फोर्थ टाइम उन्होंने क्या किया है को पेश किया है कब आपका एक फरवरी दो हजार बाईस को इससे आगे देखिएगा कि जो बजट है सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी सबसे पहले हम थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं इसकी कि जो बजट है सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब किया गया था वो था आपका सेवन अप्रैल 18, को ठीक है किसने किया था ऐसा स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एकोनु, थे वो और पॉलिटिशियन भी थे उनका नाम था जेम्स विल्सन इन्होंने इस वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया था लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि हमारे संविधान यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस जो शब्द है बजट शब्द का उल्लेख कहाँ है तो वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना ठीक है इससे आगे ये तो उन्होंने सबसे पहले किया ईस्ट इंडिया कंपनी के थे ये जेम्स विल्सन कब एटीन के अंदर लेकिन भारत आजाद होने के बाद सबसे पहले इस बजट को पेश किसने किया वो है आपका 26 नवंबर उन्नीस से सैंतालीस नाइनटीन फोर्टी सेवन को किसने किया आर के शनमुखम शेट्टी जी ने ठीक है ये याद रखेगा अगर ये तो मेल है आपके अगर फीमेल पूछ ले यानी फर्स्ट वुमेन कौन थी जिन्होंने बजट को पेश किया था वो थी आपकी इंदिरा गांधी ठीक है उसके बाद है आपकी कौन निर्मला सीतारामन जी अब पूछा जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये नॉर्मली हमें पता होना चाहिए कि इस बार जो बजट की जो स्पीच की ड्यूरेशन कितनी रही है अब तक की सबसे जो शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन मानी जाए तो यही है क्योंकि इससे पिछली बार जब उन्होंने बजट पेश किया था उस टाइम इनकी ड्यूरेशन कितनी थी टू आवर आपकी फोर्टी मिनट्स ये थी उनकी लेकिन इस बार उन्होंने कितने मिनट स्पीच दी है वो है आपकी नाइनटी टू मिनट जो कि अब तक का सबसे शॉर्टेस्ट माना जाता है अब इससे आगे किन किन चीजों को फोकस में रखा गया यानी प्रायोरिटी क्या रखी गई है इस बजट के अंदर वो देखते हैं हम सबसे पहले ये सारा मैं आपको आगे बताऊंगी बिल्कुल सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन है आपके सामने ठीक है आगे सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी तो देखिएगा किन किन बातों को किन किन बातों के ऊपर जोर दिया गया इस बजट के अंदर वो है आपका फर्स्ट नंबर पर पीएम गतिशक्ति योजना इससे आगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया है प्रोडक्टिविटी एनहेंस ट है आपकी सनराइज uh, अपॉर्चुनिटीज है आपकी एनर्जी ट्रांजिशन है क्लाइमेट एक्शन ये दो अलग से आपको जोड़े गई हैं एनर्जी वाला और क्लाइमेट वाला ठीक है जो इस बजट के अंदर है यानी एनर्जी का क्लाइमेट का और इससे आगे फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक है अब हम आगे इसको डिटेल्स में जानते हैं देखिए इस तरीके से आपकी जो निर्मला सीतारमन जी हैं आपकी जो रेड कलर के जो आपके बैग है इसके अंदर आपका जो बजट है वो लेके जा रही है अब इससे आगे देखिएगा सबसे पहली बात जो सबके मन में है आपकी ही की इन्वेस्टमेंट ऑफ क्रिप्टो यानी कि इस बजट के अंदर क्रिप्टो के बारे में भी क्या आगे चर्चा की गई है अब क्या कहा गया है कि अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कितना वो देना पड़ेगा आपका टैक्स वो देना पड़ेगा आपको थर्टी वन परसेंट अगर आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो थर्टी परसेंट अगर लेन देन करते हो आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको वन परसेंट और इसमें ऐड कर लो यानी टोटल आपको थर्टी क्या देना पड़ेगा इसके अंदर टैक्स देना पड़ेगा और ये क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि क्रिप्टो करेंसी को हाल ही में किस देश के अंदर इसको लीगल कर दिया गया वो है आपकी एल सेलवाडोर याद रखिएगा कि एल सेलवाडोर देश के अंदर क्रिप्टो करेंसी को क्या कर दिया गया लीगल कर दिया गया लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में अभी नहीं किया गया है अब ये सोचो आप कि इसके ऊपर टैक्स क्यों लगाया गया है टैक्स इसलिए लगाया गया क्योंकि हम क्या करते हैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं ठीक है वो सरकार क्या चाहती है कि क्रिप्टो में वो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें उसके लिए उन्होंने क्या किया है इसमें टैक्स लगाया है ठीक है और अभी कहा है कि आर इस पर आगे इसकी कुछ ना कुछ योजना लेके आएगी जिसमें आपको और भी ज्यादा बेनिफिशियल मिलेगा इससे आगे सेकेंड पॉइंट है आपके सामने है कि वंदे भारत योजना के तहत वंदे भारत जो ट्रेन हैं जो हज़ार तेईस तक कितनी चार और उसमें ट्रेन एड कर दी जाएंगी ये कुछ के की पॉइंट्स जो आपके सामने बजट ज़्यादा कुछ खास इसमें नहीं था आपके लगा सिर्फ ट्वेंटी पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने हैं और आम नागरिक को भी ये सारे के सारे पता होने चाहिए कि बजट में हमारे लिए क्या है हर कोई वेट करता है कि बजट में हमारे लिए क्या है सब अपना देखते हैं अगर कोई उद्योगपति है वो अपने बारे में देखेगा ठीक है अगर कोई गाँव मेंट सेक्टर में तो अपने बारे में इस तरीके से हम इस सब में

ये है कि इन चैनल्स के ऊपर जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है ना उसके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाएगा ठीक है यानी कि अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उसके माध्यम से बच्चों को सिखाने की कोशिश की जाएगी यानी बारह से बढ़ के चैनल कितने हो जाएंगे दो सौ कौन सी हो जाए ई विद्या क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे आपके सामने थोड़ा ध्यान से पड़ेगा और क्या है उसकी टेगलाइन वो है वन क्लास वन चैनल इससे आगे हाइस्ट एवर इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा इस बार यानी एजुकेशन से भी ज्यादा स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस किया गया क्यों किया गया है कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था कितने वो किससे संबंधित है भाला भालाफेक से संबंधित है क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको कि कौन से खेल से संबंधित है वो भाला भालाफेक जिसे हम ज्वेलियन थ्रो कहते हैं और ज्वेलियन जो डे है, उनके जिस दिन उन्होंने भाला फेंका था यानी उन्हें गोल्डन गोल्ड अवार्ड मिला था उसी दिन सात अगस्त को ही जेवेलियन यानी कि भाला फेंक दिवस मनाया जाता है और कितने दूर फेंका था पॉइंट एट फाइव ट फाइव इतने दूर उन्होंने क्या किया था उस भाला को फेंका था ठीक है तो इसीलिए ताकि जो हमारे युवा हैं वो ज्यादा से ज्यादा खेल के अंदर अपना योगदान दे और विश्व स्तर पर जितने भी हमारे ओलंपिक्स होते हैं जितने भी हमारे टूर्नामेंट गेम्स होते हैं उनमें अपना अच्छा प्रदर्शन करें भारत की तरफ से इसीलिए उस पर क्या किया गया इस पर खेल पर ज्यादा फोकस किया गया ताकि युवाओं को आगे बढ़ाया जाए और अपना देश का नाम रोशन किया जाए तो इसलिए स्पोर्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा आपका तीस बासन थर्टी करोड़ इस पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा सबसे हाइएस्ट है आपका किसको किसको देख के किस प्लेयर को देख के वो लाइक like नीरज चोपड़ा और अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा क्या पदमश्री छब्बीस अच्छा जनवरी को अनाउंसमेंट की गई थी कि नीरज चोपड़ा को हाल ही में पदमश्री से सम्मानित किया जाएगा इससे आगे, आगे आपके सामने है पॉइंट फाइव एक्सपेंशन ऑफ रेलवे यानी रेलवे का विस्तार किया जाएगा किसके तहत प्रोमोट किसको किसको प्रोमोट किया जाएगा ई व्हीकल्स को प्रमोट किया जाएगा अभी आप देखते होंगे जब भी आप टोल uh, जब भी आप रोड से ट्रैवल करते हो तो आपने देखा होगा कि टोल uh, टैक्स पे क्या है आपकी फेम फेम योजना के तहत इसको बढ़ावा दिया जाएगा फेम योजना चलाई गई है ताकि क्या वो सारा का सारा आपका जितना भी वर्क है आपका वो सारा का टोल टैक्स वगैरह जितना भी आपका वर्क है गाड़ी से रिलेटेड और वो सारा का सारा आपका डिजिटल हो जाए और क्या है ई व्हीकल को प्रमोट किया जाएगा ताकि हर कोई इलेक्ट्रिसिटी से यानी कि जो गैस से चलने वाले व्हीकल हैं उसको यूज करें ताकि पोल्यूशन ज्यादा ना हो इसीलिए कहा स्थापित किया गया है वो है गुड़गांव के अंदर लिंक जो अभी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा है।, केन जो है आपकी वो एमपी के अंदर है जबकि बेतवा है क्या किया जाए केन बेतवा दोनों के दोनों रिवर के जो पानी है इसको मर्ज किया जाएगा और इसी को मर्ज करके वहां क्या है

वो होता है ना आपका फूड जिसमें न्यूट्रिएंट्स होता है वो सारा उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके लिए अब इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने जो बजट में इसका जिक्र किया गया है वो है आपका टेन परसेंट ग्रोथ ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन डिफेंस सेक्टर यानी इस बार टोटल बजट का जितना भी आपका टेन परसेंट है वो आपका जो हमारी सुरक्षा यानी रक्षा डिफेंस सेक्टर के अंदर उसको इन्वेस्ट किया जाएगा इससे नेक्स्ट है आपका जो क्रिप्टो करेंसी जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पे करना पड़ेगा थर्टी परसेंट टैक्स इनकम टैक्स उनको पे करना पड़ेगा अगर ट्रांजेक्शन वो करेंगे तो आपको उनको वन परसेंट मोर टैक्स पे करना पड़ेगा अब इससे नेक्स्ट है कि इस बार इंडिया की जी ग्रोथ कितनी रहेगी यानी दो हज़ार बाईस से अंदर इंडिया की जी ग्रोथ कितनी रहेगी वो है आपकी नाइन यानी क्या हुआ था इससे पहले जैसे कोविड हुआ था क्या उसमें हम क्या हमारा जो आयात निर्यात जैसे कहते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हमारा इतना नहीं हो पाया हम लोग बिल्कुल डाउन में जाते

जितने विलेजेस आ रहे हैं उनको डेवलप किया जाएगा जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में ठीक है लेकिन नॉर्थ ईस्ट को और बॉर्डर लाइन का जो पार्ट है आपको जम्मू कश्मीर से ऊपर लद्दाख से वाला उनको तो हम थोड़ा सा नेगलेक्ट कर देते हैं तो अभी उन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा इसे नेक्स्ट आपका जॉब क्रिएशन यानी कि जितने भी जॉब्स वगैरह हैं उन पर फोकस किया जाए कहा गया है कि इस बार आपकी जो प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब्स आपकी बड़ी हैं क्योंकि स्किल स्किल के तहत अभी आपने देखा होगा डिजिटल इंडिया है या पीएम स्किल योजना है इनके तहत लोगों ने क्या किया इन स्किल्स को सीखा है और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब पाई है इसे इस ने नेक्से सोलर एनर्जी क्रिएशन यानी कि सोलर एनर्जी पर फोकस किया जाएगा जितना ज़्यादा हो सकता है कितना साढ़े चार सौ से लेकर दो सौ अस्सी मेगावाट कोशिश की गई है आपकी दो हजार तीस तक कैसे इसको पा लिया जाए ये देखेगा किस तरीके से आम नागरिक है वो अपने बजट देख रहे हैं कि इस बजट में हमें क्या मिलने वाला है हमारे लिए क्या फ़ायदा होगा सबसे मेन मैं आपको बता देती हूँ इस बार जो भी आपके आज़ादी का जो महोत्सव मनाया है जरूर से हम कहते हैं सेवेंटी फाइव नंबर का है ये हमारी आज़ादी तो इसको पचहत्तरवा आज़ादी महोत्सव कह रहे हैं तो इसमें जितनी भी बातें होंगी ना उसमें लगभग कोशिश की गई कि सेवेंटी फाइव नंबर को ही री यूज़ किया जाए इसका नाम रखा गया है अमृत महोत्सव जो हमारी आज़ादी का महोत्सव है ना पचहत्तरवें नंबर का इसका नाम रखा गया अमृत महोत्सव तो इसमें कहा गया है कि गोल फॉर अमृतकाल और इस ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना इसको पूरे को अमृतकाल कह दिया गया ठीक है तो इसमें कोशिश की गई प्लान फॉर नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव ईयर इस बार निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि इस बार हम शॉर्ट टर्म पर ध्यान ना दे हम लॉन्ग टर्म पर फोकस करेंगे हम कोशिश करेंगे आने वाले पच्चीस सालों में हम हम जो हमारे भारत को है ना हम पूरे विश्व के अंदर कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे उसको तो कोशिश की गई है लॉन्ग टर्म की चीजों पर ध्यान दे, दिया जाएगा ठीक है तो प्लान फॉर नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव ईयर के ऊपर विजन उनका फोकस ज्यादा रहा है जो किस क्या नाम दिया उन्होंने इसको अमृतकाल नाम दिया गया क्यों दिया गया मैंने बता दिया आपको कि आजादी का पिछहत्तरवां जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है इससे आगे फोकस किया गया है आपका टेली मेडिसिन सर्विस मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कि टेली मेडिसिन कौन से जो आ, स्टेट ने ऐसा चलाया था जिसे ड्रोन की हेल्प से वो क्या करेंगे मेडिसिन को सप्लाई करेंगे वो आपका तेलंगाना ठीक है तो टेली मेडिसिन की हेल्प से आपको ड्रोन की हेल्प से आपको सर्विसेज दी जाएंगी मेडिसिन की और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ जीरो इंक्रीमेंट हुआ क्योंकि पहले कितना था उनका थ्री था और अब बढ़कर कितना हो गया थ्री हो गया तो इंक्रीमेंट पूछ लेगा आपसे कितना जीरो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कितना आपका इलेवन बढ़कर इंक्रीमेंट हुआ है इससे आगे नाबार्ड क्या करेगी लोन देगी आपको पता है नाबार्ड जो है हमारी वो डायरेक्ट लोन नहीं देती ठीक है वो क्या करती है जो भी हमारी जो सेक्टर ग्रामीण जो बैंक है ना उनको लोन देते ताकि वो आगे लोगों को प्रोवाइड करे तो नाबार्ड कोशिश करेगी इस बार ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन इसमें भी ड्रोन को फोकस रखा गया है कि ड्रोन से क्या करेंगे वो वहां के एरिया का पता लगाएंगे वहां के खेतों का वहां के किसानों का क्या हा, क्या हाल है वहां का यानी फसल है या नहीं यानी किस हिसाब से जो सारा डेटा तैयार करके ड्राफ्ट तैयार करके उस हिसाब से उनको लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा इससे आगे मेजर कंसर्न रहा है पेंडेमिक पे यानी कोविड की वजह से हर किसी को इतनी बुरी मार पड़े चाहे वो एजुकेशन में हो यानी कि बिल्कुल तरीके से ना एजुकेशन सिस्टम चल पा रहा है ना आपका हेल्थ सिस्टम हम, हमारे सामने आया है किस तरीके से हमारे सामने बेड की कमी पड़ी है या फिर दवाइयों की कमी पड़ी है ये सारी चीजें यानी कोशिश की गई है कि आगे से अगर कोई ऐसा पेंडेमिक आता है तो हम ऑलरेडी उस चीज के लिए प्रिपेयर रहेंगे तो उस चीज के लिए हेल्थ सेक्टर के अंदर भी आपका इन्वेस्टमेंट किया गया है इसे नेक्स्ट आपका फोकस किया गया है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट यानी जहां भी आपके स्टेशन है वहां पर जो चीज फेमस है वहां की यानी वहां पर वन प्रोडक्ट आपका रखा जाएगा करने के लिए ठीक है इसे नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट किसको इंट्रोड्यूस करेगी मैंने बताया था ना आपको क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया गया है तो आरबीआई है वो क्या करेगी अभी इस बारे में खुल के चर्चा नहीं हुई है बस इतना कहा गया है कि आरबीआई आने वाले टाइम में डिजिटल रूपी ब्लॉक को क्या करेगी अभी जारी करेगी ठीक है ताकि हमें उससे कुछ फायदा मिले इससे न्यू वाइब्रेंट विलेजेस जो मैंने आपको बताया था कि जो आपके बॉर्डर लाइन के आसपास क्या किए जाएंगे उन विलेजेस को डेवलप किया जाएगा इससे आगे वी आर मेकिंग आजादी का अमृत महोत्सव यानी हमने क्या किया आजादी के अमृत महोत्सव पे फोकस किया गया है ठीक है कुछ पॉइंट्स आपके सामने हैं कि कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंटिंग माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया जाएगा ठीक है और डिजिटल इकोनॉमी के आगे बढ़ावा दिया जाएगा और प्राइवेट एंड पब्लिक जो क्षेत्र है हमारा सेक्टर उस पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके सामने बजट से रिलेटेड जो सारे मैंने आपको बताए हैं होप्स आपको समझ में आए होंगे फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना और ये आप सबको पढ़ना है आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नॉर्मली भी आपको पता होना चाहिए कि बजट में हमारे लिए क्या क्या आया है किस क्षेत्र में कितने कितना योगदान दिया गया यानी किस किस क्षेत्र के बारे में इसमें चर्चा हुई है ठीक है होप्स आपको समझ में आया होगा ठीक है अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि साइंस की कंप्लीट सीरीज़ जिस पर अभी चल रही है आपके डे बाय डे मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करती हूँ प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को देखना स्टैटिक जीके की तैयारी करवाई जा रही है आपकी ताकि जो भी आपके एग्जाम हो चाहे वो का हो ग्रुप डी का हो आपका एच का हो सी का हो, उन सब में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार